हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट। आई एम श्वेता और हम कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स। आज होगी उसकी सिक्स्थ वीडियो और आज जो हम टॉपिक करेंगे दे विल बी टू बॉडी प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास एंड कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो टॉपिक क्या है? टू रिड्यूस अ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू बॉडीज़ कंसिडर करेंगे विच विल बी वन एंड टू, जिनके मासेस होंगे m1 एंड m2। उनके ओरिजिन से जो पोजिशन वेक्टर होंगे दे विल बी r1 एंड r2। ठीक है, दीज टू बॉडीज़ आर एग्जर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। जो डिस्टेंस है टू बॉडीज़ में दैट इज़ r। ठीक है, और उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी r कैप। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करें विच इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू, इट विल बी एफ वन टू किसके इक्वल हो जाएगा, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी की बात हो रही है तो मास होगा एम वन एंड जो उसका पोजिशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज़ आर वन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम वन इंटू एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वेयर आर वन अपॉन डी टी स्क्वेयर। सो बोथ आर द फोर्सेस, उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो एम वन डी आर स्क्वेयर वन अपॉन डी टी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। दोनों फोर्सेस को जो है हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। सिमिलरली फॉर मास m2 क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1 विल बी गिवन बाय f12 इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे माइनस आर कैप आ जाएगा। माइनस देखो क्यों, बिकॉज जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन और जो पोजिशन वेक्टर r है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दोनों ओपोजिट होने के कारण यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ द सेम, हमने जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स यहाँ पे लिख देनी है m2 इंटू डी आर स्क्वेयर आर टू अपॉन डी टी स्क्वेयर, बिकॉज सेकेंड मास जो है दैट इज़ m2 और इसका पोजिशन वेक्टर जो ओरिजिन से है दैट इज़ r2। तो फोर्स बन गई m2 इंटू डी आर स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर, यहाँ पे r2 होगा। अगेन सेम स्टेप है, हमने यहाँ पे फोर्सेस दोनों को इक्वेट कर देना है। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। बॉडीज़ के अलॉन्ग जो है हमें इक्वेशंस मिल गई हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बट हमारा यहाँ पे क्या था मेन मोटिव, टू रिड्यूस अ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम। सो हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी जो है यहाँ पे इक्वेशन कुछ इंटरचेंज कर रहे हैं, दैट इज़ डी स्क्वेयर आर वन अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो उसके साथ जो एम वन था ठीक है वहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, इस तरीके से दोनों इक्वेशंस में हमने किया है। एम वन जो है ठीक है वो वहाँ पे जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वेयर के आगे डिनोमिनेटर में चला गया। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी भी सेम स्टेप किया हमने। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू इंटू जी इंटू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। तो अगर आप वो डायग्राम देखोगे तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आर वन प्लस आर इज इक्वल टू आर टू बन रहे। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करके। और अगर हम यहाँ पे रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें तो रिड्यूस्ड मास को हम इंडिकेट करते हैं बाय टर्म म्यू। तो वन अपॉन म्यू जो होता है दैट इज़ इक्वल टू वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू। इस तरीके से जो है हम दोनों बॉडीज़ को कंबाइन करके रिड्यूस्ड मास फाइंड आउट करते हैं। द फार्मूला आप ध्यान में रखना क्या होता है, वन अपॉन म्यू इज़ इक्वल टू वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू। तो ये दोनों टर्म्स जो हमारे पास, दोनों इक्वेशंस जो फॉर्म हुई हैं, इनको हम फाइनल इक्वेशन में यूज़ करेंगे। So the final equation we get is d square r upon dt square is equal to minus 1 upon mu g m1 into m2 upon r square into r cap. तो mu को जो है आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। तो यहाँ पे इसको लाने का यही मोटिव है कि दोनों जो इक्वेशंस है, दोनों जो टर्म्स हैं, दे लुक लाइक फोर्स, बिकॉज फोर्स को ही हम फोर्स के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड मास, मास ही एक तरीके से ठीक है। तो डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर इज एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया। एंड राइट हैंड जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या है, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप विच इज़ फोर्स। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ बॉडी फॉर रिड्यूस्ड मास। यहाँ पे एक स्पेशल केस भी है, बिकॉज हमने जो है इन द प्रीवियस टॉपिक जो हमने क्या किया, एम वन एंड एम टू को
ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वलेंट लिया, बट अगर यहाँ पे जो है एम वन इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एम टू, तो जो रिड्यूस मास होगा आप देखोगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम टू, बिकॉज एम वन इज़ वेरी लार्ज और वो डिनोमिनेटर में है तो इट विल, ठीक है, वो जीरो तक अप्रोच कर जाएगा, तो म्यू जो है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम टू. सो इफ टू बॉडीज आर गिवन, वन इज़ वेरी मच हैवियर एज कम्पेयर टू द अनदर वन, तो जो रिड्यूस मास होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द लाइटर बॉडी. ठीक है, गॉट द कॉन्सेप्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. तो फर्स्ट लॉ है इसमें, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं, ऑल द, मेरा एलिप्स इतना सुंदर नहीं बना, ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ. ठीक है, और सन जो होगा, जो उनके टू फोकस होते हैं, ठीक है, जब हम एलिप्स की बात करते हैं, तो सन विल बी एट वन ऑफ द फोकस वाइल प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ सेज जो सन एंड प्लैनेट है दे फॉर्म्स अ बाउंडेड सिस्टम. ठीक है, और जो बाउंडेड सिस्टम होता है उसकी एनर्जी जो होती है दैट इज़ ऑलवेज नेगेटिव. अगर हम यहाँ पे ई इसेंट्रिसिटी की बात करें, ई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू इंटू कैपिटल ई, जो यहाँ पे एनर्जी है, एल स्क्वायर अपॉन म्यू के स्क्वायर. हमने अभी बोला कि टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव, तो अगर हम ई को नेगेटिव कंसिडर करते हैं देन जो इसेंट्रिसिटी है दैट बिकम्स लेस देन वन, और इसेंट्रिसिटी लेस देन वन होती है एलिप्स के लिए. इट मीन्स जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है अराउंड द सन दैट इज़ एलिप्टिकल इन नेचर. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है प्रूव भी हो गया, फाइन. सो सेकेंड लॉ इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन दैट इज़ अ लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे यही मतलब है, देखो यहाँ पे अगर एरिया हम S1 की बात करें या S2 की बात करें, अगर सेम टाइम है तो ये दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम होंगे. इट मीन्स द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब इक्वल एरिया, इक्वल टाइम, तो जब हम इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम की बात करते हैं तो हमें जो वेलोसिटी मिलती है दैट इज़ एरियल वेलोसिटी. ठीक है, अब एरिया जो है वो इक्वल है, टाइम जो है वो इक्वल है, इट मींस जो एरियल वेलोसिटी है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, सो सेकंड लॉ से हमें थ्री पॉइंट्स पता चलते हैं. जो एरिया होगा, जो प्लैनेट है, इट विल स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो एरियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने जो है सन एंड प्लैनेट सिस्टम कंसिडर किया है. ओके, एलिप्टिकल पाथ होने के कारण जो यहाँ पे 2a है एंड 2b है दे आर द मेजर एंड माइनर एक्सेस होती हैं. ये सन की पोजिशन यहाँ पे है एंड प्लैनेट इज देयर. जो सन एंड प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस है एस ए बिगनिंग में, उसको हम r वेक्टर से इंडिकेट कर रहे हैं. जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज़ v, और जो एस बी है दैट विल बी इक्वल टू r प्लस डी आर. डी ए जो है दैट इज़ द एरिया स्वेप्ट इन टाइम डी टी. ठीक है, जब एरिया, तो यहाँ पे एरिया है डी ए, उसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ आर इन टू डी आर. बिकॉज यहाँ पे डी आर है तो डी आर को हम लिख सकते हैं वी इन टू डी टी, वेलोसिटी इन टू टाइम. ठीक है, तो हाफ आर क्रॉस वी इन टू डी टी. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय म्यू विच इज़ रिड्यूस्ड मास. ठीक है, तो यहाँ से हम, यहाँ पे हमने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया एंड म्यू से डिवाइड कर दिया. सो कॉरस्पॉन्डिंगली डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू वन बाई टू म्यू आर क्रॉस वी, म्यू इन टू वी. जो डी टी है, ठीक है, वो भी डी ए के नीचे वहाँ पर आ गया, डी ए बाई डी टी यहाँ पर बन गया. और यहाँ पर जो होता है आर क्रॉस म्यू वी है, उसको हम कंसिडर करेंगे एंगुलर मोमेंटम. बिकॉज जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल दैट वी नो इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एम वी. तो यहाँ पे जो है मास की जगह पे क्या है, रिड्यूस मास, तो आर क्रॉस म्यू वी भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ही होगा. तो हमें जो डी ए बाई डी टी है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एल बाई टू म्यू. ठीक है, तो हमने सेंट्रल फोर्स कर लिया हुआ टॉपिक, सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी कर ली हैं. ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी दैट वेन एवर अ बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड. ठीक है, ये पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी दैट वेन अ प्लैनेट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी जो है प्लैनेट इज़ मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो इसकी एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व्ड. अगर यहाँ पे एल कॉन्स्टेंट हो गया तो अब फार्मूला देखो, डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू एल बाई टू म्यू,
म्यू यहाँ पे मास है, मास इज कांस्टेंट, ठीक है। अब एल भी कांस्टेंट हो गया, तो इट मींस जो डी ए बाय डी टी है दैट इज कांस्टेंट। डी ए बाय डी टी क्या था? एरियल वेलोसिटी। सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, प्लानिटरी मोशन, विच सेज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कॉरस्पॉन्डिंगली इट्स एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो है एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट आ गई, डी ए बाई डी टी जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज एल जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट होता है जब भी जो है बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, और यहाँ पे म्यू है विच इज रिड्यूस्ड मास विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो नेक्स्ट वी हैव कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच सेज स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। जो टाइम पीरियड है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस देखो क्या है, 2a यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, a, ठीक है। मेजर एक्सिस यहाँ पे 2a वाली है, और यहाँ पे जब इसका हम सेमी मेजर एक्सिस करेंगे, सेमी मीन्स हाफ, तो क्या रह जाएगा, a, तो यहाँ पे वही फार्मूला बन गया, दैट इज स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल पाथ। तो अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो 2a है एंड 2b है दे आर द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द एलिप्टिकल पाथ जो है दैट इज इक्वल टू पाई ए बी, ठीक है। पाई यहाँ पे ए एंड बी जो है दैट इज सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, तो हमारे पास एरिया आ गया पाई ए बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड, बिकॉज टाइम पीरियड के रिगार्डिंग हमने देखना है कि क्या फाइनल रिजल्ट बनता है। सो टाइम पीरियड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी हो जाता है टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ पे लेंथ जो है दैट इज एरिया ऑफ द एलिप्टिकल पाथ, और वेलोसिटी जो है दैट इज एरियल वेलोसिटी। सो एरिया ऑफ द एलिप्टिकल पाथ है पाई ए बी, और एरियल वेलोसिटी हमने अभी फाइंड आउट की है विच इज एल अपॉन टू म्यू होती है, है ना। तो यहाँ पे बन गया टी इज इक्वल टू पाई ए बी अपॉन एल बाय टू म्यू। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, टू पाई म्यू इंटू ए बी बाय एल, ठीक है। नेक्स्ट दोनों अपने पॉइंट्स आपको पता ही होंगे फार्मूला से, दिस इज द फार्मूला ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम इन एलिप्टिकल ऑर्बिट जब होता है, तो जो एल है दैट इज इक्वल टू बी स्क्योर बाय ए होते हैं, सेमी लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं इसे। एंड अगर इसका एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन देखें देन इट इज इक्वल टू एल स्क्योर बाय म्यू के होता है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कर रहे हैं, दोनों एल की वैल्यूज को इक्वेट कर दिया, सो बी स्क्योर बाय ए इज इक्वल टू एल स्क्योर अपॉन म्यू के। तो यहाँ से बी आ गया इक्वल टू एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय म्यू इंटू के। जो हमने b की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको इस t के फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर दो, सो t आ जाएगा इक्वल टू 2 पाई म्यू ए बाय एल इंटू एल स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय म्यू के। सो जो t स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर म्यू बाय के इंटू ए क्यूब। अगर हम देखें जो 4 है पाई स्क्वायर म्यू के दे ऑल आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। सो t स्क्वायर जो आ गया दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। सो दिस इज कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसके बाद जो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का सिर्फ एक चैप्टर रह गया विच इज़ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, और जितने टॉपिक्स रहते हैं वो सारे उसी चैप्टर के अंडर ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो है 11th का आप लोग खुद कर ही लोगे, बस ये कंप्लीट होने के बाद जो है जितने भी मैंने आपको MCQs दिए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको जो आज का टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन।